हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने इस हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम वीपीएन का उपयोग अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए करते हैं। इसके लिए हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि ड्रॉइड वीपीएन या ओपन वीपीएन जैसे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि आपके मोबाइल पर पहले से ही मौजूद डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड वीपीएन एप्लीकेशन को भी हम वीपीएन कनेक्ट करने के लिए अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज कर सकते हैं। आज का ये वीडियो उसी के ऊपर है कि हम कैसे अपने मोबाइल के डिफ़ॉल्ट वीपीएन एप्लीकेशन को सर्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के इस वीपीएन एप्लीकेशन में जाएं, यहाँ पर ऐड वीपीएन पर क्लिक करें, अपने वीपीएन का कोई नाम दें जैसे कि मैं यहाँ माई वीपीएन दे रहा हूँ। यहाँ पर से आप टाइप सेलेक्ट कर लें L2TP IPSFPSK। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्वर नेम डालना है जो मैं डाल रहा हूँ, आप बिल्कुल वही सेम टू सेम आप डाल सकते हैं अपने वीपीएन सेटिंग पर। .net इसके बाद आप नीचे जाएं, उसके बाद यहाँ पर IPSFPSK, इसमें आपको डालना है VPN। उसके बाद नीचे जाएं, नीचे जाने के बाद यहाँ पर सो एडवांस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको नीचे फॉरवर्ड राउटर पे जाना है, फॉरवर्डिंग राउटर पे, और यहाँ पर आपको टाइप करना है 0.0.0/0 और उसके बाद आपको ये सेव कर देना। सेव करने के बाद आप वहाँ पर टैप करें, आपको एक माई वीपीएन के नाम से एक एप्लीकेशन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको सिर्फ वीपीएन और पासवर्ड में भी वीपीएन ही डालना है, दोनों सेव, और फिर आप कनेक्ट कर दें। और इसके बाद हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमारा वीपीएन जो है वो कनेक्ट हो गया है, यहाँ पर वो चाबी का निशान आ रहा है। तो एक लाइक तो बनता है, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा। उसके बाद आप अपना जो भी ब्राउज करना है, नेटवर्क सर्च करना है, आप सिर्फ नेटवर्क सर्च कर सकते हैं, आप इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यूट्यूब चला करके दिखा रहा हूँ, और ये देखिए यूट्यूब मेरा चलने लगा। तो इस तरह से आप अपने डिफॉल्ट वीपीएन को सर्वर से कनेक्ट करके अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको इसको डिसकनेक्ट करना हो तो फिर से आपको जाना होगा सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद फिर वहीं मोर पे जाएं, मोर पे जाने के बाद वीपीएन पे टैप करें और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। डिसकनेक्ट करने के बाद वो चाबी का जो निशान आपको ऊपर दिखाई दे रहा था वो हट गया। और दोबारा से अगर आपको कनेक्ट करना है तो वहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वीपीएन, फिर पासवर्ड में फिर से आपको वीपीएन। यहाँ पर अगर आप सेव अकाउंट इन्फॉर्मेशन कर देंगे तो दोबारा से आपको ये आईडी या पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा। ये देखिए दोबारा से कनेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपने डिफॉल्ट वीपीएन एप्लीकेशन को सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ में लाता रहता हूँ।